प्रियंका रेड्डी के साथ जो भी हुआ है वो एक जघन्य अपराध में आता है, एकदम हीनियस क्राइम में आता है। तो उस तरह के इस तरह के अपराध को अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। केवल प्रियंका रेड्डी ही नहीं है जिसके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, इस तरह की कितनी लड़कियां हैं और रोज़ दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इस पर अंकुश लगाना बहुत ही ज़रूरी है और इस तरह के क्राइम के लिए कठोर से कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए हमारे समझ से। और कैसे सजा दिलाया जाए इसके लिए हम लोगों को सोचना है, सरकार को भी सोचना है कितनी जल्दी से जल्दी इस सजा को दिया जाए ताकि अगला जो इस तरह की हिम्मत करता है वो कर ना सके। हमारे देश में आजकल इस तरह की बहुत घटनाएं हो रही है, महिलाओं के लिए यहाँ कोई कानून नहीं है। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी क्या, इसके पहले भी हमारे देश में बहुत इस तरह की घटनाएं हो चुकी है, निर्भया हत्याकांड या जो भी है उसमें महिलाओं के संग इतना अत्याचार बढ़ गया, तो लगता है इसके लिए देश में एक सख्त कानून की व्यवस्था होनी चाहिए और तुरंत केस की कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत दिन के बाद इसकी सुनवाई हो और अपराधी को जल्द से जल्द सजा मिले। हैदराबाद में जो डॉक्टर प्रियंका रेड्डी जो हम लोगों की समकक्ष एक डॉक्टर थी उनके साथ जो विवत्स घटना घटी, घटना बहुत ही निंदनीय है। समाज में जो हम लोगों के बीच में आजकल ये एक रेप और उसके बाद मर्डर और बुरी तरह से मर्डर किया जा रहा है लड़कियों का, जो बहुत ही गलत हो रहा है। इस घटना को थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले एक निर्भया कांड हुआ, उसके बाद और बहुत सारा रेप हुआ। ऐसा नहीं कि निर्भया कांड के बाद ये पहला नहीं है, उसके बाद रोज रेप हो रहे हैं। उसके बाद अभी आग ठंडी नहीं हुई है, फिर बक्सर और समस्तीपुर में महिला का रेप करके उनको जला देने की घटना आई है जो हम लोग अखबार में पढ़ रहे हैं। तो इस घटना को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि सरकार को कोई ऐसे कठोर कदम उठाना चाहिए जिससे जो आदमी रेप कर रहे हैं उनको ऐसा सबक मिले और सजा मिले जिससे कि लोग डरें, दूसरा बंदा उसको करने के पहले डरे कि हम ये काम ना करें। कि किसी भी लड़कियों के साथ जो ये घटना हुई है उसकी तो जितनी भी निंदा की जाए वो कम ही है। इस तरह के घटना को समाज में किसी तरह से किसी तरह का स्थान नहीं मिलना चाहिए, इसका समाज में कोई स्थान नहीं है। और हम सरकार से भी चाहेंगे कि कम से कम लड़कियों की सुरक्षा के लिए संवेदनशील बने। कानून तो आपने बहुत बना दिया लेकिन संवेदनशीलता जो है वो बिल्कुल भी अभी नहीं है। जब तक कि इसको हम सीरियसली नहीं लेंगे तब तक इस तरह की घटना होती रहेगी। और आजकल जो ये जुबेनाइल बोल के जो लोग छोड़ रहे हैं, और यही समय है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि ये जो जुबेनाइल पीरियड है ये काफ़ी वॉलेटाइल पीरियड है। इस वक्त चेंजेस आते रहते हैं, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर बात क्या है, उनके जो अंदर चेंजेस हैं इस वजह से वो ज़्यादा इस क्राइम में जा रहे हैं। और जुबेनाइल कोर्ट के नाम जुबेनाइल ये के नाम पर उनको छोड़ दिया जाता है जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये जो अमानवीय कार्य हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक है। सरकार से हमारी यही मांग है, और जब सारे सबूत मिल गए हैं तो इसमें बालिग किया और नाबालिग किया, उसने ये कार्य किया है, गलत किया है, तो गलत की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। अब इसके लिए इससे सज़ा जलान वो ये नहीं है कि वो बालिग है या नाबालिग है ये कह करके सरकार छोड़ दे, इसमें सरकार को अपना नियम बदलना पड़ेगा, नियम की प्रक्रिया बदलनी पड़ेगी। देखिए मेरा यही कहना है कि इसी तरह से कैंडल जलते रहेंगे जब तक हम अपने कोर सिस्टम को सही नहीं करते हैं, तब तक कोई को ब्लेम करना कि पुलिस सही समय पे नहीं गई, कि वहाँ के लोग नहीं रिएक्ट किए, या बहुत बार कहा जाता है कि अपने घर के बेटों को एजुकेट कीजिए। मुझे लगता है सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ का जुडिशरी सिस्टम। जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा कि मेरे पास तीन तीन कोर्ट्स हैं और मैं एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट तीसरे कोर्ट, और इतनी लंबी तारीखें मिल रही हैं, कोर्ट का आधा टाइम तो छुट्टी ही रहता है, कभी समर हॉलिडे कभी विंटर हॉलिडे, मुझे लगता है ये सब तरह के केसेस के लिए ये हॉलिडे होना ही नहीं चाहिए। और कोर्ट को भी एक ऐसे सिस्टम में लाना चाहिए जैसे डॉक्टर्स हैं कि वो एक इमरजेंसी ड्यूटी होनी चाहिए कि जब आपको नीड है तो वो हॉलिडे, इतना लंबा लंबा अगर कोर्ट बंद रहेगा तो केसेस ऐसे ही खिंचाते रहेंगे। तो इस तरह से उन लोग के कल्प्रिट जो है उन लोगों को कभी कोई डर नहीं होगा कि मेरे साथ कुछ हो सकता है। आप देखिए भागलपुर में ही कितने इंसिडेंट्स हुए,
या हम लोग पटना में सुनते हैं या ऑल ओवर इंडिया भी सुने हैं, इतना टाइम लग जाता है कि देन अल्टीमेटली हम लोग भी भूल जाते हैं, दो दिन कैंडल जलाया और काम ख़त्म। तो जस्ट मेरा यही कहना है कि जब तक जुडिशरी सिस्टम को नहीं ठीक किया जाएगा, न्याय का टाइमिंग सही नहीं हो, तब तक कुछ नहीं हो सकता है।